नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जल्दी से जल्दी पहले तो आप सभी आ जाइए, उसके बाद क्लास का भी शुभ आरंभ हम कर देंगे। चलिए, सभी को प्रणाम है, सभी को गुड इवनिंग है, राधे राधे, राम राम है। और जिसको सैनिटाइजर, जो बच्चा बोल रहा है सैनिटाइजर लगा के प्रणाम है, उसको भी प्रणाम है, ठीक है। चलिए, और किसी का मैंने एक कमेंट देखा था, एक डाउट उन्होंने पूछा है कि हिस्टोन प्रोटीन में और पेप्टोन में क्या फर्क होता है। तो आगे कोई क्वेश्चन आएगा प्रोटीन का, उसमें मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल शुरुआत से शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन, आपने कमेंट करके अपने मार्क्स बताए पिछली वीडियो में, और आपने जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया, जो कल का क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन ऑफ द डे जो था हमारा, उसका आंसर सेल वॉल होगा। आपके वायरस और विषाणुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक है। कैप्सिड जो बच्चे आंसर कर रहे थे, तो मैंने बताया हुआ है कि वायरस की जो प्रोटीन होती है ना, उसे ही कैप्सिड बोला जाता है। वायरस की जो प्रोटीन लेयर होती है, उसे ही कैप्सिड बोला जाता है। तो कैप्सिड और प्रोटीन में कोई अंतर नहीं, दो चीजों से आपका वायरस बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अमल, जो आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ओके, बहुत बढ़िया। कोई नहीं बेटा, वैक्सीनेशन लगवाने के बाद, वैक्सीन का मतलब आप जो टीका वगैरह लगवाने के बाद थोड़ा सा वीकनेस फील होती है, फीवर भी आता है थोड़ा सा, लेकिन ठीक हो जाता है। ये आपके जो वैक्सीन है उसके लक्षण है, सिम्टम्स है, तो थोड़ा बहुत दिखाई देगा ही, क्योंकि वैक्सीन में हम क्या इंजेक्ट कर रहे हैं, आपके वायरस को ही तो आपके शरीर में डाल रहे हैं ना। पर वो वायरस कैसा है, मरा हुआ वायरस है, इनएक्टिवेटेड वायरस है, ठीक है। तो आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आपकी बॉडी उसके खिलाफ तो काम करेगी ना। तो जब भी आपकी बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम उस वायरस के अगेंस्ट, डेड वायरस के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो आपको फीवर भी आएगा और कमजोरी भी महसूस होगी। थोड़े बहुत लक्षण ये दिखाई देते हैं वैक्सीनेशन लगवाने के बाद, तो ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है, ठीक है, कि ऐसा महसूस हो रहा है, होता है, ठीक है। चले, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। ये परिवर्तन 2.0 की आपकी जो लास्ट डेट है 15 थी, अब एक्सटेंड होके 20 कर दी है। तो जिसने अभी तक नहीं लिया है परिवर्तन बैच, वो जरूर ले लेना। 70+ कोर्सेज हैं आपके, सारे कोर्सेज NTPC CBT2 भी है, और SSC के सारे आपके कोर्सेज हैं, आपके डिफेंस के, आपके एयरफोर्स के, बैंकिंग के, 70+ में तो फिर सारे ही कोर्सेज कवर हो जाते हैं, तो जरूर ले लेना। इंपॉर्टेंट बैच है, सारे बेहतरीन टीचर्स हैं आपके साथ, ऐप पर आपकी ये क्लासेस होंगी, तो जरूर जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है वो जरूर ले लेना। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप बोलेंगे मैम हर सेशन को इम्पोर्टेंट बोलते हैं, आज का सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको नए क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो अब मैं सीरीज, पहले हमने किए थे प्रीवियस, जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन अब मैं जो आपको क्वेश्चन दे दूंगी ना, वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो भी आपका नेक्स्ट पेपर होने वाला है, मतलब आप किसी भी, कोई भी पेपर आप दे रहे हैं जिसमें बायो आती है, चाहे वो CBT 2 हो NTPC का, चाहे वो आपका GD हो, चाहे वो आपका ग्रुप डी हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो NDA क्यों ना हो, जो भी एग्जाम की आप तैयारी करें जिसमें बायो आती है, तो आप सही जगह पे आए हो, एकदम सही क्लास पे, एकदम सही टाइम पे। 8 बजे हमारी क्लास होती है, क्वेश्चंस हमारी क्लास में होते हैं और डेली होते हैं, और बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन होती है आप सभी के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने है, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए और ध्यान से आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर जनित रोग है, विच वन ऑफ देम फॉलोइंग इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज, फटाफट से बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। भाई टीबी कहां से दे रहे हो, तपेदिक, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, क्या एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है,
वेक्टर बॉर्न डिजीज का क्या मतलब होता है, जो आपके वाहक के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाए या एक वाहक के द्वारा वो रोग फैले, तो वो कौन सा रोग है जिसमें वाहक की जरूरत होती है, जिसमें वेक्टर की जरूरत होती है, वो कौन सा रोग है, ये बताना है आपको। कोलेरा जो आपका फर्स्ट दे रखा है, कोलेरा जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, हैजा है ना, हैजा जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बेटा, ये प्रदूषित जल और खाने से फैलता है। आपका ये जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपको, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन जो आपको डिजीज दे रखी है कोलेरा और हैजा, ये आपकी प्रदूषित किससे फैलती है, प्रदूषित जल और खाने से फैलती है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलती है, लिख लेना अपनी कॉपी में। तो इसमें कोई वाहक का उपयोग हो रहा है, प्रदूषित खाने और पानी से फैलती है, इसमें कोई वाहक चाहिए आपको, वाहक आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वाहक मतलब कोई जीवित जीव आपका कुछ ट्रांसफर कर रहा है, डिजीज को ट्रांसफर कर रहा है, वो वाहक होते हैं। फूड और वाटर आपका वाहक थोड़ी होगा, फूड और वाहक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी है। वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई जीवित जीव, यहाँ लिख लो वेक्टर मतलब क्या, कोई जीवित जीव भाई, कोई जीवित जीव और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी जीवित जीव हो सकता है भाई, आपका मच्छर मक्खी कुछ भी हो सकता है ना, जो आपका रोग को कर रहा है, मतलब आपके रोग को लेके आप तक आ रहा है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल लेके आ रहा है का मतलब क्या है, जैसे कि आपका मलेरिया है, कौन सा मॉस्किटो करते हैं, एनोफिल, जिससे हमें रोग होता है, जो पैथोजन है, जो रोगजनक है, याद रखना रोगजनक और वेक्टर में फर्क है। रोगजनक आपका जो रोगजनक होता है ना, यहाँ पर लिख रही हूँ, जो आपका रोगजनक होता है और जो आपका वाहक होता है, इसमें फर्क होता है। वाहक मतलब जो कैरी कर रहा है, जो आपके डिजीज आपके पैथोजन को कैरी कर रहा है, ठीक है, जो आप में जो वो रोग करेगा उसको कैरी कर रहा है, जैसे कि आपका एनोफिल मच्छर ये प्लाज्मोडियम को कैरी करता है। प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम रोगजनक है, मतलब क्या है, पैथोजन है, जो रोग को करते हैं रोगजनक, जो रोग को कैरी करते हैं वो वाहक और वेक्टर, ठीक है, तो मच्छर आपका वाहक है, तो ये डिफरेंस है। तो हैजा क्या है बेटा, हैजा आपके किसके द्वारा होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा ये बीमारी फैलती है, और ये कैसा रोग है, जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। कौन से जीवाणु, नाम पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे भाई, जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है, कौन सा जीवाणु, विब्रियो कोलेरे, कौन सा जीवाणु, विब्रियो कोलेरे इसका पैथोजन का नाम है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें होता क्या है, हैजा में कोलेरा में क्या होता है भाई, डायरिया, लूज मोशन होता है, साथ में आपको अपनी मसल्स पेन, क्रैम्स वगैरह, मतलब मसल्स पेन होता है, ये सब चीजें होती है किसमें, आपकी कोलेरा में, याद रखना। और इसका ये जो पैथोजन है ना आपका, ये विप्रो कोलेरा, ये कहाँ पाया जाता है, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत होती है, वहां पर इसका पैथोजन पाया जाता है। सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बता दो। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया ना, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया जिन बच्चों का सही आंसर है, ठीक है, सेकंड देखते हैं। पोलियो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। तो ये जो विषाणु है ना, ये आपका किसके द्वारा फैलता है, ये कफ, जब आपने छींक दिया, आपके ड्रॉपलेट दूसरे व्यक्ति में चले गए, कहने का मतलब ये व्यक्ति है भाई, आपका जो पोलियो होता है, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति, इसने छींक दिया, तो इसके छींकने से जो इसने बूंदे निकाली भाई, जो इसने छींका उसमें से जो ड्रॉपलेट्स निकले, अगर दूसरे बंदे ने उसको इनहेल कर लिया, सांस से अपने अंदर ले लिया, तब ये वायरस उसके शरीर में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर भी कोई वेक्टर नहीं है भाई, हवा के द्वारा और ड्रॉपलेट्स बूंदों के द्वारा ये आपका रोग फैल रहा है ना, तो यहाँ पर कोई वेक्टर और वाहक नहीं है पोलियो में भी। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है, टीबी, टीबी मतलब तपेदिक, तपेदिक और टीबी किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया, जीवाणु के द्वारा ये रोग होता है, किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा ये रोग होता है। आपसे पूछे कौन से जीवाणु के द्वारा,
तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले, ये कई ऑप्शंस में हम कर चुके हैं पहले, तो आपको ध्यान हो एकदम से दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले, यहाँ पर लिख लेना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले, मैं लिख रही हूँ आपको समझ नहीं आएगा राइटिंग, ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले। चलिए, तो ये किसके द्वारा फैलता है, ये भी आपके कफ के द्वारा, मतलब आपने छींका, स्नीज किया, छींका, तो दूसरे व्यक्ति में जो आपने छींका उसमें जो ड्रॉपलेट बूंदें निकलती हैं, इन्हीं बूंदों में आपका वायरस होता है जो दूसरे व्यक्ति के नाक के द्वारा उसके लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। तो लंग्स से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित ये रोग है आपका टीबी। और जो आपको थर्ड ऑप्शन दे रखा है डेंगू, डेंगू किसके द्वारा होता है, डेंगू में किसके द्वारा होता है, तो आपको पता है किसके द्वारा होता है, तो ये तो बहुत अलग है, हम किसकी बात कर रहे हैं, वाहक की, तो कौन से वाहक के द्वारा होते हैं, कौन से वेक्टर के द्वारा होते हैं, मुझे कोई बताएगा डेंगू का वेक्टर कौन सा होता है। जैसे आपका मलेरिया का वेक्टर एनोफिल होता है, तो डेंगू के वेक्टर का क्या नाम है, किसी को पता है क्या भाई, किसी को पता है क्या भाई, किसके कारण होता है, तो आपका ये एडीज एजिप्टी, एडीज एजिप्टी, एजिप्टी जिसको मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ यहाँ पर, एडीज एजिप्टी नामक एक मच्छर के द्वारा, मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, मतलब मॉस्किटो और मच्छर क्या है इसका, संवाहक, वाहक और वेक्टर है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डेंगू इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये आपके जो मैंने यहाँ पर तीन डायग्राम दे रखा है, ये आपके तीनों के तीनों वेक्टर हैं, यहाँ पर जो डायग्राम है ये क्या है, ये मच्छर है, क्या है, मच्छर, तो मॉस्किटो भी क्या होता है आपका, एक मॉस्किटो वेक्टर की तरह काम करता है। जो आपको यहाँ पर दूसरे डायग्राम में दिखा रखा है, कोई मुझे बता सकता है ये क्या है, ये किलनी है, हिंदी में इसको किलनी बोला जाता है और इंग्लिश में इसको आप टिक्स बोलते हो, क्या बोलते हो, टिक्स, ये आपका क्या करता है, जो ज्वर, फीवर, फीवर साथ में, ज्वर साथ में एक और रोग करता है, जिस रोग को आप बोल, जिस रोग को आप लाइम रोग भी बोलते हैं, आपने सुना होगा ये रोग का नाम, लाइम रोग भी बोलते हैं, एक ज्वर करता है, फीवर साथ में एक लाइम रोग होता है, वो वाला रोग भी करता है, मतलब ये इसके एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, लाइम डिजीज, लाइम रोग, साथ में ज्वर। उसके बाद ये वाला जो लास्ट डायग्राम दे रखा है, कोई मुझे बता सकता है किसका डायग्राम, आप सभी ने ये देखा होगा, जानवरों को पढ़ते हैं पिस्सू, क्या बोलते हैं इसे, पिस्सू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिस्सू, जिसको इंग्लिश में आप फ्लिया नाम से जानते हैं, किस नाम से, पिस्सू नाम से आप हिंदी में जानते हैं और इंग्लिश में इसको फ्लिया नाम से भी जानते हैं। कौन सा रोग करता है, बल्बोनिक प्लेग, आपने सुना होगा, प्लेग की बीमारी है ना, प्लेग आप सभी ने सुना होगा, और इसका पूरा नाम वैसे है बल्बोनिक प्लेग, याद रखिएगा, ठीक है, प्लेग, चलिए नोट कर लेना। ये तीन वाहक हैं आपके, एक मच्छर, एक टिक जिसको किलनी बोलते हैं, एक फ्लिया, पिस्सू जो जानवरों में पड़ जाते हैं, मेरा आप सभी को पता है जानवरों में पड़ जाते हैं आपके पिस्सू, ठीक है। चलिए बल्बोनिक प्लेग, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। निम्नलिखित में से किस जानवर को उत्पादकों के अंतर्गत रखा गया है, Which of the following animals are placed under producer? जो कुछ उत्पादन करते हैं, आंसर क्या होगा, जिराफ, लॉयन, स्नेक या कोई नहीं, तो फटाफट से, बड़ा इजी क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर दे दीजिए, कौन हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि जिराफ, लॉयन, लॉयन कार्निवोर्स होते हैं, मांसाहारी होते हैं, तो इसमें से कोई भी आपका ऑप्शन जो होगा वो सही नहीं होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, फोर्थ इज द राइट आंसर, लॉयन क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, स्नेक भी कैसे होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है बेटा। चलिए नन इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम ऑफ हनी बी, हनी बी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ठीक है, रेटस, रेटस किसका साइंटिफिक नेम है, रैट का साइंटिफिक नेम है, बॉम्बेक्स मोरी किसका साइंटिफिक नेम है, बॉम्बेक्स मोरी जो आपका सिल्क बनाता है, रेशम बनाता है, सिल्क मोथ का नाम, साइंटिफिक नेम है आपका क्या, बॉम्बेक्स मोरी। होमो हैबिलिस किसका साइंटिफिक नेम है, तो हमारे जो पूर्वज थे ना उनका वैज्ञानिक नाम है होमो हैबिलिस,
हमारे जो पूर्वज थे उनका वैज्ञानिक नाम है होमो हैबिलिस, और हमारा नाम क्या है? होमो सैपियंस। हमारा नाम क्या है? होमो सैपियंस है। आप बोलोगे ये वैज्ञानिक नाम क्यों दिया गया? हमारा नाम तो भाई, मेरा नाम तो राधिका है, आपका नाम श्याम है, जो भी है आपका नाम, तो हमारा नाम तो ये, तो हमें अलग से वैज्ञानिक नाम क्यों दिया गया? क्योंकि आपको होल यूनिवर्स में, आपको होल वर्ल्ड में सारे, मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं, इन सबके लिए एक नाम दे दिया गया कि किसी भी आप कंट्री में चले जाओ भाई, इसको अगर आप इस वैज्ञानिक नाम से बोलोगे तो दूसरे व्यक्ति को पता होगा, अगर उसने पढ़ रखा होगा तो उसे पता होगा कि हाँ ये साइंटिफिक नेम इस चीज का है। और जितने भी ह्यूमन होते, चाहे आप हो या मैं हूं, हम सभी का नाम क्या है? होमो सैपियन। क्या है? होमो सैपियन। इस बात को ध्यान रखिएगा। किसने दिया होमो सैपियन, ये भी क्वेश्चन पूछता है। कार्ल लिनियस ने, कैरलस लिनियस ने आपका क्या दिया? होमो सैपियंस। इसको भी ध्यान रखना, स्टार लगा के मार्क कर लेना। आंसर क्या बनेगा आपका? एपिस इंडिका, जो लास्ट ऑप्शन को आंसर दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, क्या बात है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ मुड़ जाए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। मछलियों का निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कीट भक्षी है? Which among the following varieties of fishes is insectivorous? Hilsa, Gambusia, Labio, Catala. कौन सा आपकी बोला insectivorous fish है, जो कीट भक्षी, कौन सी फिश है, कीट भक्षी फिश कौन सी है इसमें से? आंसर दे दीजिए। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे भी कि किस, भाई कीट भक्षी तो बोल दिया, इंसेक्टिवरस तो बोल दिया, कौन से ऐसा क्या काम करती है जिसके कारण इसको इंसेक्टिवरस बोल दिया, ये भी बताना है आपको, ठीक है, ये भी बताना है आपको। चलिए कोई बात नहीं बेटा, नेटवर्क की प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेना। चलिए आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। आंसर होगा गैम्बूसिया। क्या होगा? गैम्बूसिया, जो आपके मलेरिया का पैथोजन हो, सॉरी, जो आपके मलेरिया का वेक्टर होता है। कौन सा मच्छर होता है? एनोफील मच्छर जो होता है आपका, आपका जो मलेरिया करता है एनोफील मच्छर, उसको खा लेता है गैम्बूसिया। ये जो गैम्बूसिया फिश है, ये जो आपकी मॉस्किटो होती है ना, मच्छर, आपका जो मलेरिया कॉज करता है उसे खा लेता है। इस बात को ध्यान रखना, इसीलिए इसको क्या बोला है? इंसेक्टिवोरस फिश बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है? विच वन ऑफ देम फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिल्क? इरी, मुगा, तसर, कौन सा नहीं होगा? कौन सा इस में से सिल्क का प्रकार नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आप सभी को मैं टाइम दे रही हूँ। आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ईट लार्वे ऑफ मॉस्किटो। बिल्कुल, वेरी नाइस, चलिए, बिल्कुल, मॉस्किटो को बनने ही नहीं देते, उसके लार्वे को खा लेते हैं पहले ही। चलिए आंसर दीजिए भाई। ओके, समझ में आ गया, अब इसका आंसर दीजिए भाई, आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर दीजिए। वेरी नाइस, अंकिता चौहान का सही उत्तर आया है, अंकिता चौहान का सही उत्तर आया है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा। मॉथ इज द राइट आंसर। ये तो आपका सिल्क मॉथ है ना, और ये सारे आपके सिल्क के रेशम के प्रकार है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारे आपके सिल्क के प्रकार है, इरी, मूगा, तसर, लेकिन मोथ क्या है? एक सिल्क मोथ है जो सिल्क बनाता है, तो ये आपका सिल्क का प्रकार कैसे हो सकता है? चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा सच्चा फल है? विच वन ऑफ देम इज ट्रू फ्रूट? कौन सा है? सेब है आपका, टमाटो, टमाटर है, या फिर कटहल, जैक फ्रूट है, या फिर स्ट्रॉबेरी है? तो आंसर दे दीजिए भाई, कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, अब आंसर दीजिए भाई, कौन सा आंसर सही उत्तर हो जाएगा इसका? जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका। इनमें से कौन सा सच्चा फल है? ठीक है, कौन सा सच्चा फल है? जल्दी से उत्तर दे दीजिए बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। राज मंडल, नीरज कुमार, प्रियंका शकाया, सन्नी, देवकी मोंटी, ये जितने बच्चे देख रहे हैं ना, आपने मार्क्स कैलकुलेट करके मुझे आप कमेंट करेंगे, आप सारे बच्चे, ठीक है। चलिए, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, स्ट्रॉबेरी नहीं होगा बेटा, आंसर हो जाएगा जैक फ्रूट, कटहल आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना।
स्ट्रॉबेरी आपका जो फ्लैशी रिसेप्टिकल्स होते हैं ना उनसे डेवलप होता है, कहने का मतलब ओवरी से डेवलप नहीं होता है, अंडाशय से नहीं बनता है, फ्लैशी रिसेप्टिकल से बनता है और ये एग्रीगेट फ्रूट है, फ्लैशी रिसेप्टिकल से बनता है, ध्यान रखना। आपका जो एप्पल होता है ये किससे बनता है, थैलेमस से बनता है, किससे बनता है, थैलेमस, जिसको पुष्प आसन भी बोलते हैं, पुष्प आसन भी बोलते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैक फ्रूट किससे बनेगा फिर, ट्रू फ्रूट कौन से फ्रूट होते हैं, वह फल होते हैं जो अंडाशय और ओवरी से बनते हैं, उन फ्रूट को, उन फलों को क्या कहा जाता है, उन फलों को सच्चा फल और ट्रू फ्रूट बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक प्रकार का संबंध जिसमें एक प्रजाति को लाभ मिलता है और दूसरे को मारने से हानि होती है, मतलब एक को तो अपना खाना मिलता है और दूसरा व्यक्ति मर जाता है क्योंकि ये इसको खा लेता है, तो बोला है ऐसे प्रकार का संबंध को क्या बोला जाता है जिसमें एक को तो फायदा मिलता है, मेरे को तो फायदा है क्योंकि मैंने उस व्यक्ति को खाया भाई, अब मैंने उसको खा लिया तो मुझे, मेरा तो पेट भर गया लेकिन वो उस व्यक्ति का तो नुकसान हो गया ना बेचारा, वो तो मर गया, अब ऐसे संबंध को क्या बोला जाएगा, फटाफट से आंसर दे, कोई बात नहीं सोनम सिंह। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है, बिल्कुल बजरंगी कुमार। चलिए चलिए धर्मश भामू, यहाँ पर देखिए, कोई बात नहीं आंसर दीजिए। एक प्रकार का संबंध जिसमें एक प्रजाति को लाभ मिलता है और दूसरे को मारने से हानि मिलती है, जल्दी से आंसर दे दीजिए, क्या हो जाएगा, पैरासिटिज्म हो जाएगा, प्रीडेशन हो जाएगा, कॉम्पिटिशन या म्यूचुअलिज्म, ठीक है। जैसे यहाँ पर जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं, आप सभी कमेंट करें, आपके बीच में एक कॉम्पिटिशन है कि कौन सही दे कौन भाई, तो किसी का यहाँ पर सिर्फ कॉम्पिटिशन चल रहा है, यहाँ पर किसी का नुकसान, ऐसा तो नहीं कि एक को लाभ हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो कॉम्पिटिशन तो पहले ही ऑप्शन में कट जाएगा। म्यूचुअलिज्म क्या हो जाता है, म्यूचुअलिज्म मतलब होता है कि जैसे मैंने अपने घर में एक किराएदार रखा, ठीक है, अब वो मेरे को पैसे देगा हर महीने, मेरा भी फायदा है और उस व्यक्ति का भी फायदा है क्योंकि उसको रहने को छत मिली है भाई, उसको रहने को जगह आपने कमरा दिया है, लेकिन आपको भी फायदा और उसको भी फायदा है, ऐसे प्रकार की रिलेशनशिप, ऐसे प्रकार के संबंध को म्यूचुअलिज्म बोला जाता है, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है। पैरासिटिज्म क्या होता है, पैरासिटिज्म, पैरासाइट करके एक मूवी भी है, अगर आपने ध्यान दिया उसको ऑस्कर मिला है, उस मूवी को क्या मिला है, ऑस्कर मिला, एक पैरासाइट करके मूवी है, अगर आपको ध्यान हो जिन बच्चों ने देखा हो, चाइनीज मूवी है, ठीक है, चाइनीज मूवी है, इसलिए वो चाइना की लैंग्वेज में ही है, हमारी लैंग्वेज में नहीं है, तो चाइनीज मूवी है, उसको ऑस्कर मिला है और नाम है पैरासाइट। उस मूवी से बहुत बेहतरीन समझ में आता है कि पैरासिटिज्म संबंध क्या होता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए मैंने एक किराएदार रखा है, ठीक है, मैंने रखा था एक व्यक्ति, ठीक है, उस किराएदार को मैंने रखा था अपने कमरे में, ना तो उसने मेरे को क्या दिया, ना तो वो मेरे को किराया दे रहा है, साथ में उसने अपने और दोस्तों को भी बुला लिया, खाना भी मेरे रसोई से खा रहा है, रह भी मेरे घर में रहा है, ठीक है, सब कुछ, बिजली पानी सब मेरा फूक रहा है, सब मेरा ले रहा है, ठीक है, बिजली भी मेरा, पानी भी मेरा, खाना भी मेरा, कमरा भी मेरा, साथ में अपने और दोस्तों को बुला के मेरे घर में रह रहे, तो ऐसी रिलेशनशिप को पैरासिटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म बोलते हैं, इसमें कोई इंसान मर नहीं रहा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर एक जीव दूसरे जीवित जीव पे रह रहा है और उससे अपना खाना पानी रहने का बंदोबस्त कर रहा है, जैसे कि जितने भी आपके ये जो बैक्टीरिया लोग होते हैं, जो आप पढ़ते हैं ईकोलाय बैक्टीरिया, जैसे आपने अपनी विब्रियो कोलेरा पढ़ा, आपने अभी कोलेरा हैजा पढ़ा ना हमने, कि जो हैजा का पैथोजन होता है, रोगजनक, जिसको विब्रियो कोलेरा आप बोलते हैं, वो आपकी छोटी आंत में पाया जाता है, तो क्या कर रहा है, वो आपके शरीर के अंदर रह रहा है, आपके शरीर के अंदर रह भी रहा है और आपको रोग भी कर रहा है, कोलेरा हैजा भी कर रहा है, आपको डायरिया कर दे रहा है भाई, लूज मोशन, तो आपको तो नुकसान हो रहा है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपका भाई कुछ एक्सट्रीम मृत्यु कर देता है,
ऐसा तो नहीं करता। तो ऐसे रिलेशनशिप को, आपके उस विब्रियो कोलेरे और आपके बीच का जो संबंध है उसे बोला जाएगा पैरासिटिज्म। और जो आपका सेकंड ऑप्शन है प्रीडेशन, इसका मतलब जैसे लॉयन है, जैसे जो शिकार करते हैं, तो आप क्या करते हैं शिकार में, क्या होता है भाई, एक शिकारी होता है, एक शिकार बनता है, तो शिकार जो बनता है वो तो मर जाता है, तो शिकारी जी जाता है, उसका फायदा हो जाता है। तो ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे संबंध को प्रीडेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रीडेशन बोला जाता है। इसलिए बी ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? किण्वन कहा जाता है, अवसादन कहा जाता है, आसवन कहा जाता है, स्तनपान कहा जाता है, क्या बोला जाता है? लैक्टेशन, डिस्टिलेशन, सेडिमेंटेशन या फिर फर्मेंटेशन। तो फटाफट से आंसर दे दीजिए। भई आप क्या कर सकते हैं, मिसबिहेव करने वालों का क्या कर सकते हैं, वो अपनी आदत से मजबूर है, लेकिन हम भी अपनी आदत से मजबूर है कि हम पढ़ाएंगे सिर्फ। इतने इधर उधर के कमेंट तो मैं देखती नहीं हूँ। चले कोई दिक्कत नहीं, आप अपने पढ़ने पे ध्यान दीजिए, जो आपको क्वेश्चन दिया है उसका आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, जो बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। फर्मेंटेशन इज द राइट आंसर, फर्मेंटेशन इज द राइट ऑप्शन। फर्मेंटेशन क्या होता है? किण्वन की प्रक्रिया किसे बोलते हैं, जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कि आपका C6H12O6 किसमें बदलता है, सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलता है, जैसे कि आपका एल्कोहल C2H5OH इसका फॉर्मूला है एल्कोहल का, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होता है, क्या ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं यूज होता है। ऐसी प्रक्रिया को जिसमें ऑक्सीजन यूज ना होता हो, जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल में टूट रहे हो, मतलब एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता हो, ऐसे प्रोसेस को किण्वन और फर्मेंटेशन बोला जाता है। आपके कई सारे ऐसे जीव हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाए, कवक, जिनमें जो श्वसन का माध्यम है वो क्या है, जिनमें ऊर्जा का माध्यम क्या है, श्वसन का माध्यम क्या है, फर्मेंटेशन, उनमें फर्मेंटेशन होती है और उनको ऊर्जा मिलती है, क्योंकि फर्मेंटेशन द्वारा भी क्या बनता है, ऊर्जा बनती है, ATP बनते हैं, कम बनते हैं वो अलग बात है, लेकिन बनती है ऊर्जा, ठीक है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कौन सा जानवर अपना भोजन खोजने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है, चीता, आंट, स्नेक या व्हेल। तो फटाफट से आंसर कर दीजिए, कौन सा ऐसा एनिमल है, कौन सा ऐसा जानवर है जो अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करता है अपने खाने के लिए। तो फटाफट से भाई आंसर दे दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आपका, चीता, चीटिया, सांप या व्हेल, उत्तर दीजिए भाई फटाफट से। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, थ्योरी भी पढ़ाओ, थ्योरी अभी तक जो आपके टॉपिक हो चुके हैं एक बार उनको देखिए, बाकी जो भी आपको नया टॉपिक करना है आप मुझे कमेंट करिए, क्यों नहीं पढ़ाऊंगी, बिल्कुल पढ़ाऊंगी, बस आप कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक जो आपके पेपर के लिए चाहिए होते हैं वो थ्योरी में आपको करवा चुके हूँ, हर चीज की, सेल टिश्यू भाई, आपका एक्सक्रीटरी, आपका न्यूरल, आपका कंकाल तंत्र है ना, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र की तो इतनी बड़ी क्लास हुई, तो और कोई टॉपिक जिसमें आपको डिफिकल्टी है वो आप मुझे कमेंट करके, आप सभी जितने बच्चे जो जो कमेंट करेंगे उसके हिसाब से मैं एक टॉपिक ले लूंगी, तो वो आपके ऊपर है कि कौन सा टॉपिक करना है। आंसर क्या हो जाएगा, वेल और जो डॉल्फिन होती है ना, वेल और जो डॉल्फिन होती है, ये दोनों ही अल्ट्रासोनिक डॉल्फिन जो होती हैं, डॉल्फिन ये दोनों ही आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग करते हैं अपने अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ने के लिए, और वही उनका भोजन होता है। जो आपका ग्रास होपर होता है, ठीक है, ग्रास होपर का नाम आप सभी ने सुना होगा, ठीक है, टिड्डा जिसे आप बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, ये जो ग्रास होपर है ना, ये भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग करता है, किसके लिए, दूसरे ग्रास होपर को बुलाने के लिए कि आजा रिप्रोडक्शन करना है, क्या करना है, रिप्रोडक्शन। तो ये प्रजनन और रिप्रोडक्शन के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग करता है,
और जो आप जो आंसर दे रहे हैं बैट, जो बच्चे बोल रहे हैं बैट में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं अंधेरे में देखने के लिए। भाई अंधेरे में देखने के लिए वो कौन सी तरंगों का उपयोग करता है? इन अल्ट्रासोनिक वेव। तो आपका बैट में अल्ट्रासोनिक वेव किसके लिए प्रयोग होता है? टू फ्लाई इन द डार्क। कहां? अंधेरे में उड़ने के लिए। लिख लेना, टू फ्लाई इन द डार्क, अंधेरे में उड़ने के लिए प्रयोग करता है। अंधेरे में उड़ने के लिए प्रयोग करता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए इतनी बात नोट कर लेना। और जो आपके फ्रॉग होते हैं ना, जो फ्रॉग होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करते हैं। तो फ्रॉग में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स होते हैं, किसके लिए प्रयोग करते हैं? कम्युनिकेशन, संचार। भाई कम्युनिकेशन, उनको भी तो बातचीत करनी है ना, तो वो संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है? और आपका ग्रास ऊपर रिप्रोडक्शन, बैट रात को देखने के लिए, वेल और डॉल्फिन खाने के लिए। तो ये सभी लोग आपके क्या प्रयोग करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करते हैं। नोट कर लेना इन सभी बातों को। क्वेश्चन नंबर 10th देखिए। बीजांड विकसित होकर बनाता है, ओव्यूल डेवलप टू फॉर्म। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? आंसर दीजिए, क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है, फ्रूट बनाता है, सीड बनाता है, फ्लावर बनाता है? आंसर दीजिए बेटा। ब्लड, ब्लड भी तो बेटा पढ़ाया है मैंने आपको, ब्लड भी तो पढ़ाया है, रक्त। चलिए आप कमेंट कर दीजिएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही तो करा रही हूँ बेटा। पिंकू जी, जी बेटा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही तो हैं। चलिए आगे बढ़िए, आंसर दीजिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा? ओव्यूल किस में डेवलप करता है? तो एक बार फ्लावर का डायग्राम देख, ये आपका क्या होता है? वर्तिकांग। ये क्या होता है? वर्तिका। और ये क्या होता है आपका? अंडाशय, जिसको ओवरी बोला जाता है। इसी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल, जिसको बीजांड बोला जाता है। बीजांड से किसका डेवलपमेंट होता है? सीड का डेवलपमेंट होता है। ओवरी, अंडाशय से किसका डेवलपमेंट होता है? ओवरी, जिसको अंडाशय बोलते हैं। किसका डेवलपमेंट होता है? फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। और आपके अंडाशय से, वो फ्रूट जो आपके अंडाशय से बनते हैं उन्हें ट्रू फ्रूट बोला जाता है। और जो अंडाशय के अलावा किसी और भाग से बनेंगे उसे क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉल्स, झूठा फ्रूट है, फल है, ठीक है? याद, आंसर क्या हो जाएगा? सीड इज द राइट आंसर। एम्ब्रियो क्या होता है? भ्रूण। भ्रूण वो होता है जिससे भाई नया पौधा बनेगा। एम्ब्रियो क्या होता है? जिससे पूरा का पूरा नया पौधा विकसित होगा, वो आपका एम्ब्रियो, ठीक है? जिसमें प्रिम्यूल और रेडिकल होता है, प्रिम्यूल और रेडिकल होता है, एम्ब्रियो। सीड, बीज, जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है। बीज के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है ना, इसी से तो आपका नया पौधा बनता है। फ्लावर तो आप सभी को पता है, फ्लावर क्या, दो पार्ट्स होते हैं आपके फ्लावर के मेन। फ्लावर किस में मदद करता है? लैंगिक प्रजनन में, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे फ्लावर का क्या काम है, पुष्पों का क्या काम होता है, ठीक है? एक एक तो ऑर्नामेंटल पर्पस है, आकर्षण, भाई बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, घर को सजाते हैं। दूसरा लैंगिक प्रजनन होता है। फ्लावर के द्वारा क्या होता है? लैंगिक प्रजनन। क्या होता है? लैंगिक प्रजनन। भाई ऐसा क्यों? लैंगिक प्रजनन कैसे होता है? तो आप सभी को पता है कि फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, एक मेल फ्लावर, मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। तो जब मेल और फीमेल होंगे तो क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा, प्रजनन होगा। कैसा प्रजनन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लैंगिक प्रजनन होगा। तो याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो आपकी दो फसलें होती हैं, एक होती है रबी की, रबी क्रॉप जिसे बोलते हैं, एक होती है खरीफ की, एक होती है खरीफ और एक होती है रबी की, है ना? ये दो फसलें होती है आपकी। तो मुझे आंसर दे दीजिए, ये जो रबी की क्रॉप है ना, ये कब बोते हैं? इसके बीज को हम कब बोते हैं? तो इसके बीज को हम अक्टूबर और दिसंबर के बीज, मतलब बीच में बोते हैं। मतलब कब से कब तक? अक्टूबर से दिसंबर तक हम इनके बीजों को क्या करते हैं? बोते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, इनके बीजों को क्या करते हैं? बोते हैं। और खरीफ के जो खरीफ में जो फसलें आती हैं, इनको हम जून जुलाई में बोते हैं। कब बोते हैं? जून जुलाई में बोते हैं, मतलब गर्मी के समय में इनको बोते हैं, इनको सर्दी के समय में बोते हैं।
है ना, और इनको काटते कब, हार्वेस्टिंग कब करते हैं? काटने को बोला जाता है हार्वेस्टिंग, जब फसल आपकी पक जाती है, फसल मैच्योर हो जाती है तब उसको काटते हैं, तो काटने को बोला जाता है इंग्लिश में हार्वेस्टिंग। क्या बोला जाता है? हार्वेस्टिंग बोला जाता है। तो हार्वेस्टिंग कब करते हैं इसकी? इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं आपकी फरवरी से अप्रैल के बीच में। कब करते हैं भाई? फरवरी से अप्रैल के बीच में, फरवरी से अप्रैल के बीच में। और इसकी काट, इसको कब काटते हैं भाई, कोई बताएगा? आपके जो खरीफ के पौधे हैं इसको कब काटते हैं? तो अक्टूबर, अक्टूबर के आसपास इसको काटते हैं, अक्टूबर के आसपास इसको काटते हैं। यहाँ लिख लेना, काटते हैं, ठीक है? इस बातों को नोट कर लेना, एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। आपका राइस, कपास, राइस, ठीक है, जो आपका मेज, मक्का और शुगर के, ये तीनों के तीनों कैसी क्रॉप्स हैं? आपकी खरीफ की क्रॉप्स है। कैसी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है, याद रखना, खरीफ का एग्जाम्पल है। बचा क्या? ग्राम। तो ग्राम किसका एग्जाम्पल है? रबी की क्रॉप्स का, ठीक है, किसका? रबी की क्रॉप्स का। इसके अलावा भी और एक तो एग्जाम्पल पूछ सकते हैं ना, तो इसके अलावा एग्जाम्पल हो जाएगा गेहूं, जो आपकी वीट होती है गेहूं, वो आपकी रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है। साथ में जो आपके लिनसीड होते हैं, आपने सुना होगा अलसी, जिससे अलसी का ऑयल बनता है ना, लिनसीड जो ऑयल्स की तरह आप प्रयोग करते हैं, लिनसीड, अलसी जिसे आप बोलते हैं, बहुत लड़कियों को पता होगा अलसी, ठीक है, अलसी, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? आपके रबी का क्रॉप का एग्जाम्पल है। साथ में पी, मस्टर्ड, सरसों, मटर के पौधे, यहाँ ये ग्राम मटर ही है भाई, पी, और ऊपर से आपका मस्टर्ड, ठीक है, सरसों का पौधा, चलिए ये लिख लीजिए, ये सारे आपके क्या हैं? रबी के क्रॉप्स हैं। तो रबी का कौन कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए, क्योंकि पूछता है ये क्वेश्चन, कौन कौन सा एग्जांपल हो जाएगा? एक गेहूं हो जाएगा, पी मटर हो गया, साथ में आपका क्या हो गया, मस्टर्ड सरसों हो गया, और आपका लिनसीड जिसको अलसी बोला जाता है। खरीफ क्रॉप में क्या क्या आ गया? आपका कपास, चावल, आपका मेज, मक्का, साथ में आपका शुगर केन, गन्ने का पेड़, ठीक है, ये सभी क्या है? खरीफ क्रॉप है। कब बोते हैं, कब काटते हैं? जून से जुलाई में इसे बोते हैं और अक्टूबर में इसे काटते हैं। रबी क्रॉप को कब बोते हैं? अक्टूबर से दिसंबर में, कभी भी बो दो। और आपके फरवरी से अप्रैल में क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब काटते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एंजाइम पेप्सिन लगभग एक पीएच में भोजन पर कार्य करता है। बोला है जो एंजाइम पेप्सिन है ना, वो आपके किसी एक पीएच पे आपके भोजन पे काम करता है। तो किस पीएच पे काम करता है और क्या काम करता है? 3-2 split proteins, 3 pH पे काम करता है, 2 pH पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, या फिर 7 pH पे काम करता है और प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है, या फिर 2 pH पे काम करता है और आपके प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। तो कौन सा काम करता है भाई? इसमें से आपको पता है कि आपका पेप्सिन एंजाइम कहाँ होता है? अमाशय में होता है, स्टोमक में। चलिए आप आंसर दीजिए पहले, आप उत्तर दीजिए पहले, उसके बाद मैं बताऊंगी, फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए। तो आपकी जो अमाशय और स्टोमक होती है उसमें आपका ये एंजाइम होता है पेप्सिन नाम का। आप सभी को पता है अमाशय का जो पीएच होता है वो 2-3 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही ज्यादा अम्लीय एसिड है, मतलब हाईली कंसंट्रेटेड एसिड इसमें होता है, जो कैसा नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? आपका अम्लीय नेचर का होता है। इसीलिए पेप्सिन किसमें काम कर रहा है? 2-3 pH के बीच में काम कर रहा है। तो 7 वाला ऑप्शन गलत हो गया, बचा 2-3 और ये 2 वाला ऑप्शन, ठीक है, ए बी और डी वाला ऑप्शन बचा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पेप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को, इसीलिए सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। और आप सभी को पता है पेप्सिन प्रोटीन को किसमें बदलता है? पेप्टोन में बदलता है और पेप्टाइड में बदलता है। किसमें बदलता है? सिर्फ पेप्टोन में और पेप्टाइड में बदलता है। किसमें बदलता है? पेप्टोन और पेप्टाइड में बदलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप बोलेंगे पेप्टोन और पेप्टाइड मतलब क्या है, प्रोटीन तो समझ में आता है। तो देखिए प्रोटीन आपका इतना बड़ा, ह्यूज प्रोटीन है, इतना बड़ा आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को छोटे अणुओं में, छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना, इसको पेप्टोन बोलते हैं।
पेप्टोन को फर्दर और छोटा तोड़ना इसको पेप्टाइड बोलते हैं। इस पेप्टाइड को और छोटा तोड़ना मतलब एक एक में ही चेंज कर दो, इसके एक एक मतलब मॉलिक्यूल्स मिला दो इसको, इसकी जो सबसे छोटी इकाई है एमिनो एसिड, जब वो उसमें तोड़ देते हैं तब उसको एमिनो एसिड्स बोलते हैं, जो सिंपल सबसे सिंपल है भाई, तो इसको एमिनो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ लिख लेना, जगह नहीं है, इसको एमिनो एसिड बोल रहे हैं। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर क्या है आपका, प्रोटीन है। प्रोटीन को तोड़ा क्या बना, उससे सिंपल क्या बना, पेप्टोन। पेप्टोन को तोड़ा मतलब सिर्फ उसके, अभी तक हम उसके स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं, जो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है उसको छोटा बनाया, जैसे ऊन का गोला है। अभी ऊन का गोला क्या इतना बड़ा गोला है, अब आप स्वेटर बुनने लग गए है ना, स्वेटर आपने बुना तो धीरे 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 करके क्या होगा, गोला छोटा होता जाएगा। वैसे ही आपका जो आपका ये जो पेप्सिन एंजाइम है, ये बड़ी प्रोटीन को छोटे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में तोड़ता है, जिसको पेप्टोन और पेप्टाइड बोलते हैं। वही यही पेप्टोन और पेप्टाइड जब आपकी आंत में पहुंचता है, इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो ये पेप्टोन और पेप्टाइड किस में बदल जाता है, एमिनो अम्लों में बदल जाता है, एमिनो एसिड में, जो सबसे छोटी इकाई है आपके प्रोटीन की, जिससे आपकी प्रोटीन बनी है। आपकी प्रोटीन किससे बनी है, एमिनो एसिड से बनी है। तो यही आपका क्या है बेटा, तो आपको समझ में आया, इसीलिए आपका डी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि प्रोटीन एमिनो एसिड में नहीं चेंज होता, प्रोटीन किस में चेंज होता है, पेप्टाइड और पेप्टोन में चेंज होता है। इसीलिए आंसर क्या होगा, जो बच्चे फर्स्ट ऑप्शन कर रहे हैं, जो बच्चे फर्स्ट ऑप्शन कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन करने वाले बच्चे सही जा रहे हो, आप एकदम सही से समझ में आई है आपको चीजें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या होगा, रक्त की सरल शर्करा है, सिंपलेस्ट शुगर ऑफ ब्लड क्या है, गैलेक्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, या फिर ग्लूकोज है, क्या है ये आपको मुझे बताना है, क्या है भाई आपके रक्त की सबसे सरल शर्करा क्या है, ये आपको मुझे बताना है, जल्दी से बता दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, आपके दाएं हाथ का खेल है, जल्दी से आंसर दे दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया, अनमोल रतन बेटा यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, पढ़ोगे तभी तो कुछ बनोगे। चलिए, बिना पढ़े कुछ नहीं होता, याद रखना, बिना पढ़े कुछ नहीं होता, जो आप पढ़ने से चीजें, जो आप पढ़ने से कर सकते हो वो आप बिना पढ़े भी बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बिना पढ़े भी दसवीं पास नौवीं पास बच्चे भी बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें वो बात नहीं होती जो आपका बच्चा एकदम मेहनत करके, एकदम बहुत मेहनत की है जिस बच्चे ने, और उस बच्चे ने जो बिना मेहनत करके कुछ कर रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो मेहनत कीजिए, ठीक है, मेहनत ही एक बहुत बड़ा, याद रखना, एक बहुत बड़ा हथियार है, एक स्टूडेंट के पास मेहनत उसकी कलम हो तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बस ये विश्वास होना ही बहुत बड़ी बात है। विश्वास है आपने अपने आप के लिए, कॉन्फिडेंस है अपने लिए, तो सब कुछ कर सकते हो, याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपकी रक्त में जो सबसे सरल शर्करा है वो कौन सी है, ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला आपसे पूछता है, फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, मतलब कहने का मतलब क्या है कि 6 एटम है कार्बन के, 12 एटम है हाइड्रोजन के और 6 एटम है ऑक्सीजन के। C6H12O6 आपके ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला है, ठीक है। सुक्रोज का क्या फॉर्मूला हो जाता है, जब आपके दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज का और एक फ्रक्टोज का, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, मतलब जब आपके दो 6H12O6 मिलते हैं साथ में, इनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल भी निकलता है, एक वाटर का अणु भी निकल जाता है, तो क्या बनता है, C12, और दो कार्बन निकल गए, 24 22 बचा ना आपका, 22 बचा आपका, है ना, और O कितना है, 12 है और एक कट गया तो कितना बचा, O11 बचा, कितना बच गया, O11। तो ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, सुक्रोज का, किसका फॉर्मूला होता है, सुक्रोज का। अगर लैक्टोज का कोई आपसे पूछे तो भी यही फॉर्मूला है, क्योंकि लैक्टोज किससे बना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बना है। गैलेक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है C6H12O6।
बस इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, इनकी जो संरचना होती है ना स्ट्रक्चर में, बस इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। जहां पर हाइड्रोजन ऊपर होना चाहिए वहां पर हाइड्रोजन नीचे होता है, बस ये थोड़ा सा फर्क होता है, बाकी सब सेम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। लंबे समय तक भूखमरी के दौरान शरीर के भंडारण से पोषण प्राप्त होता है। ड्यूरिंग प्रोलोंग्ड स्टार्वेशन बॉडी डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम स्टोरेज ऑफ लीवर एंड एडिपोज टिश्यू से बना है। बहुत लंबे समय तक जब शरीर में खाने की कमी हो, स्टार्वेशन हो जाए, खाने की कमी हो जाए आपके शरीर में, तो आपका शरीर फिर भोजन कहाँ से लेता है? अब आपको भोजन नहीं मिल रहा है, जब आप फास्टिंग करते हो, जब आप व्रत रखते हो तो आप खाना नहीं खाते हो, लेकिन शरीर में तब भी ऊर्जा रहती है। किस वजह से? आपके शरीर में स्टोर्ड फूड होता है। क्या स्टोर्ड फूड होता है? जब आपने यूज नहीं करना था तो आपने उसको क्या कर दिया था? स्टोर्ड कर दिया था ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो बोला है कहाँ पर स्टोर होता है, कहाँ से वो खाना लोगे आप? आपके लीवर और एडिपोज टिश्यू से, या स्प्लीन तिल्ली से लोगे, या फिर लीवर और लंग्स से लोगे, या फिर सब क्यूटेनियस फैट और पेनक्रियास से लोगे? आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से उत्तर करिए आप सभी। आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन, यकृत और एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू को फैट टिश्यू, वसा उत्तक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? वसा उत्तक भी कहते हैं, ऊपर लिखा हुआ है, वसा उत्तक भी कहते हैं एडिपोज टिश्यू को। इसमें हमारा खाना स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? खाना स्टोर होता है, याद रखना, खाना स्टोर होता है। आपकी लीवर यकृत में भी स्टोर होता है, साथ में आप मसल्स मांसपेशी भी बोलते हो, याद रखना, मसल्स और लीवर में आपका खाना स्टोर होता है, साथ में आपका एडिपोज टिश्यू के अंदर, ठीक है, एडिपोज टिश्यू के अंदर, याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भोजन को सेवन कहा जाता है, भले इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड, जब आप खाना खाते हो तो उसको क्या बोला जाता है? जब आप खाना अपने मुख में डालते हो उसको क्या बोला जाता है? इंजेक्शन, इनजेशन या इजेशन, या फिर डाइजेशन, या फिर न्यूट्रिशन, अंतःग्रहण, आक्षेप, पाचन, या फिर पोषण, क्या हो जाएगा बेटा? आंसर दीजिए। वेरी नाइस, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन। जब आप खाना खाते हो, आपने खाना खाया, आपने खाने को अंदर लिया, इसको इनजेशन, अंदर लिया इसलिए इनजेशन बोला जाता है, और अंतःग्रहण। दूसरा, खाने के बाद ये खाना आपकी कहाँ जाता है? मुख में जाता है तो मुख में डाइजेस्ट होता है, पेट में जाता है तो पेट में, फिर आंत में डाइजेस्ट होता है ना, आंत में पाचन होता है। तो खाना खाने के बाद क्या होता है? पाचन, डाइजेशन की क्रिया होती है। जब खाना पच जाता है आपका, तो जब आंत में जो खाना पच जाता है उसका क्या होता है? अब एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये जो खाना आंत में होता है ना, ये आपकी रक्त वाहिकाओं में पहुंचता है, ब्लड वेसल्स में पहुंचता है, इसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। तो खाना खाया, पाचन हुआ, अब क्या हो गया उसका? एब्जॉर्प्शन हो गया, ब्लड में पहुंच गया, जो आपका कार्बोहाइड्रेट, जो सुक्रोज आपका माल्टोज में टूटी थी, फिर माल्टोज आपका ग्लूकोज में टूटा था, ये ग्लूकोज, ये एमिनो एसिड, ये सब किस में एब्जॉर्ब होंगे? आपके ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाओं में, और ये रक्त आपके पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा ब्लड आपके शरीर में घूमता है। क्या लेके जाता है? ग्लूकोज लेके जाता है भाई, आपका एमिनो एसिड, जो जरूरी चीजें होती हैं, आपके ब्लड के द्वारा आपकी हर एक सेल्स और उत्तक तक पहुंचता है। एब्जॉर्ब हो गया आपके कहां? आंत में। अब क्या होगा? एसिमिलेट होगा। क्या होगा? एसिमिलेट होगा, इस बात को ध्यान रखना, जिसको स्वांगीकरण भी बोलते हैं हिंदी में। एसिमिलेशन को आप स्वांगीकरण भी बोलते हो हिंदी में। तो एसिमिलेशन मतलब क्या होता है? ये रक्त वाहिकाओं से सेल का एब्जॉर्ब होना, ठीक है। अब खाना जब सेल में और उत्तकों में एब्जॉर्ब होगा ब्लड वेसल्स से, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन और स्वांगीकरण, ठीक है। और जो खाना आंत में डाइजेस्ट नहीं हुआ था, जो डाइजेस्ट हो गया था वो तो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था उसको क्या बोलेंगे? अनडाइजेस्टेड वेस्ट। अब क्या करोगे आप? उसको एक्सक्रीट कर दोगे, बाहर निकाल दोगे, जिसको क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं, याद रखेगा। आंसर क्या हो जाएगा?
फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर इसको एक बार जरूर इसको लिखना जो मैं अपनी आपको यहाँ पर लिख के बता दी, इसको कॉपी में जरूर लिखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इंजेशन करते हो, उसके बाद डाइजेशन करते हो, उसके बाद एब्जॉर्प्शन करते हो, हिंदी में भी लिखूंगी चिंता नहीं करनी है, उसके बाद एसिमिलेशन करते हो, एसिमिलेशन के बाद क्या करते हो, इजेशन करते हो, जिसको एक्सक्रीट भी एक्सक्रीशन भी बोलते हैं, उत्सर्जन करते हो, ठीक है। इंजेशन मतलब अंत ग्रहण करते हो, और डाइजेशन मतलब पाचन करते हो, पाचन की क्रिया, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण करते हो, और आपका स्वांगीकरण एसिमिलेशन करते हो, उसके बाद क्या होता है निकालते हो भाई, जिसको लिख लेना भाई, इजेशन उत्सर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किसके दूध में लैक्टोज का प्रतिशत सर्वाधिक होता है, इन हूज मिल्क परसेंटेज ऑफ लैक्टोज इज हाईएस्ट। आप सभी को पता है मिल्क की जो शुगर होती है, आपके दूध में जो शक्करा होती है वो कौन सी शक्करा होती है, लैक्टोज होती है। तो बोले इनमें से ह्यूमन मदर काउ गाय भैंस बकरी, इनमें से किसके दूध में सबसे ज्यादा लैक्टोज की मात्रा होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। आप सभी को ठीक है, आप सभी को इसका उत्तर करना है। पूछिए भाई क्या क्वेश्चन है आपका। प्रिया रस्तोगी, चलिए बेटा यहां पर आंसर दीजिए क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। गोट नहीं होगा बेटा, गोट नहीं होगा बेटा, चलिए आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर दीजिए फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, जो बच्चे आंसर ए कर रहे हैं ना, इज राइट आंसर। आपका जो मदर का मिल्क होता है उसमें 6.5 to 7.5% लैक्टोज का कंसंट्रेशन होता है। कितना होता है, 6.5 to 7.5। अगर मैं हर बच्चे का कमेंट का आंसर देने लग गई ना, तो फिर आपकी क्लास आधी कमेंट को पढ़ने में ही जाएगी, ठीक है। जो बच्चे बोल रहे हैं मैम कमेंट पढ़ लिया करो, आप डाउट पूछो, जो डाउट है वो कमेंट करो, आप कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन का क्लास में जो डाउट है वो पूछिए, आपके जो भी डाउट होते हैं वो पूछ के मैं आंसर देती हूँ, ठीक है। जिस भी बच्चे के डाउट होते हैं आज तक, आप कमेंट करोगे डाउट आपका क्लियर होगा 110% मेरी क्लास में तो जरूर क्लियर होगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि आपके कमेंट पढ़े जाए, तो कमेंट में बार बार नहीं पढ़ूंगी, ठीक है, क्योंकि कमेंट पढ़ने से टाइम वेस्ट होता है। हम टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक घंटे खड़े नहीं है, हम आपको कुछ देने के लिए कि आपको मिले, इस क्लास से सबसे ज्यादा आपको मिले, ये मैं चाहती हूँ कि आप जो भी अटेम्प्ट, जो भी आप बायो का आगे आप टेस्ट देंगे, तो आप मुझे याद रखेंगे कि हाँ ये चीजें मैम ने करवाई थी और ये चीजें आई, ठीक है। ये सीबीटी 1 में देखने को भी मिला है, और आगे आप जो भी पेपर दोगे उसमें आपको देखने को जरूर मिलेगा, जो सीरियस तरीके से पढ़ते हैं, अगर डेली क्लास को आप ढंग से सुनते हैं। तो बार बार आपके कमेंट पढ़ूं, ठीक है, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। आपको हर चीज अगर ढंग से समझ में आ रही है तो बहुत ही बढ़िया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, 6.5 to 7.5% आपके ह्यूमन मदर में लैक्टोज की कंसंट्रेशन होती है। काऊ के मिल्क में आपकी कितनी होती है, 4.7%। काऊ के मिल्क में 4.7% होती है। जो गोट होती है, जो गोट बकरी होती है, उसमें भी कंसंट्रेशन 4.7 ही होती है। कितनी होती है, सेम होती है। और आपके बुफेलो में, सॉरी 4.7 होती है, बुफेलो में 4.8% होती है, लिख लेना। मतलब ये परसेंटेज लिखा है कि इतना इतना प्रतिशत आपके दूध में, इन दूधों में आपका लैक्टोज की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। एलिमेंट्री कैनाल के, जिसको आहार नली भी बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को आहार नाल भी बोलते हैं, ये भी लिख लेना वहां पर, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल को आहार नाल भी बोलते हैं। तो आहार नाल की पेशी संकुचन है, बोले जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपकी एलिमेंट्री कैनाल में और आहार नाल में होती है, उसको क्या बोला जाता है, सर्कुलेशन बोला जाता है, छल करना डेग्लूटेशन बोला जाता है,
मंथन करना चर्निंग बोला जाता है, या फिर पेरिस्टालसिस जिसको क्रमाकुंचन भी बोलते हैं हिंदी में, एक और नाम दिया जाता है इसका क्रमाकुंचन भी इसको बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा ये बात होगी। चलिए सुनीता अभी तो पढ़ लो। चलिए बेटा अशोक, गाय का रंग पीला क्यों होता है? गाय का रंग पीला क्योंकि उसमें जो प्रोटीन होती है उसकी वजह से बेटा पीला पीला सा दिखाई देता है। चलिए सुनाया पेरिस्टाल्सिस, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा कोई दिक्कत नहीं, आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए फटाफट से। बिल्कुल, मेरी डेली क्लास होती है 8 बजे। क्या आंसर हो जाएगा? पेरिस्टालसिस और क्रमाकुंचन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। कौन सा खाद्य पदार्थ अवशोषित होता है पाचन के बिना? विच फूड सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड विदाउट डाइजेशन, मतलब जिसका पाचन नहीं होता है। तो इनमें से किसका पाचन नहीं होता है, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है? आपका आंसर होगा विटामिन, क्योंकि आप सभी को पता है कि विटामिन का डाइजेशन थोड़ी होता है, विटामिन डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है। आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विटामिन का डाइजेशन नहीं होता है, विटामिन का पाचन नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। बलगम स्त्रावित होती है, म्यूकस इज सिक्रीटेड बाय स्टोमक, ड्यूओडेनम, लार्ज इंटेस्टाइन। तो याद रखना, म्यूकस आपकी जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक, आपकी जो श्वसन की नलिका है, साथ में जो आपका पूरा को पूरा पाचन का ये जो पूरा आपका ट्रैक है, आहार नाल है आपकी, एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें आपके जितने भी ग्लैंड आते हैं, स्टोमक आता है, पेनक्रियाज आता है, जो भी आपका ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, ये जिसको गैस्ट्रो सॉरी आपका आंत आता है, स्टोमक, अमाशय, आपके माउथ, आपकी या आहार नाल, इसोफेगस, इस सब में, इन सब में म्यूकस की सिक्रीशन होती है। साथ में आपका ट्रेकिया, श्वास नली, इनमें भी किसकी सिक्रीशन होती है? म्यूकस की सिक्रीशन होती है। इसको बोला जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। क्या बोला जाता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक किसे बोला जाता है? गैस्ट्रो मतलब गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक कहाँ से आया? जठर, आपकी अमाशय से। इंटेस्टाइनल मतलब आंत, तो जो भी आपकी आंत है, इन सभी पूरे भागों में किसकी सिक्रेशन होती है? आपके म्यूकस की सिक्रेशन होती है। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। और पूछा जाए कौन सी सेल द्वारा सिक्रेशन होती है, तो ये जो गॉबलेट सेल यहाँ पर आपको दिख रही है, आपकी जो इपीथीलियल टिश्यू होती है ना, जो आपके शरीर की उपकला उत्तक होती है, इपीथीलियल टिश्यू उत्तक होती है, इन्हीं उत्तकों की कुछ कोशिका, ये जो उत्तक होती है ना, उपकला उत्तक और इपीथीलियल टिश्यू, इसी टिश्यू की कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो मॉडिफाई होके गॉबलेट सेल बना लेती हैं। क्या बना लेती है? गॉबलेट सेल। और ये सेल के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि ये म्यूकस का स्रावित करता है। किसका सिक्रीशन करता है? म्यूकस का सिक्रीशन करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। साथ में हमारे नाक में भी, हमारी श्वास नली, हमारी आपके लैरिंग्स में, फेरिंग्स में, ट्रेकिया, इन सब में भी किसका सिक्रेशन होता है? म्यूकस का सिक्रेशन होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। शारीरिक और रासायनिक पाचन के बाद पेट में भोजन कहाँ जाता है? कहा जाता है ये है, ठीक है। इन स्टोमक आफ्टर फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन फूड इज कॉल्ड, जो खाना आपकी अमाशय से पच के आता है उस खाने को क्या बोलते हैं? ये बोला है, मतलब आपका ये अमाशय, तो अमाशय में जो खाना आपका पच गया, मान लीजिए यहाँ पर प्रोटीन था, अब इसके ऊपर आपका पेप्सिन ने एक्ट किया, यहाँ से जो खाना निकला और जो आपकी आंत में खाना आएगा उसको क्या बोला जाएगा? आंत के बाद जब खाना निकलता है भाई, उसे क्या बोला जाता है? ये बोला है, आंसर हो जाएगा काइम। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो आपका खाना स्टोमक से पाचन होने के बाद निकलता है उसको काइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मतलब जो खाना आपकी स्टोमक डाइजेस्ट करती है उसको क्या बोला जाता है? काइम बोला जाता है डाइजेशन के बाद। आंसर दीजिए, लैक्टोज कंपोज्ड ऑफ, ये तो हमने पीछे भी देखा। लैक्टोज किसका बना होता है? सभी बच्चे आंसर कर दीजिए जल्दी से। लैक्टोज और आप ये जो शक्करा है वो किससे बनी होती है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनी होती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से क्या होता है? सुक्रोज होता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज से क्या होता है? माल्टोज बना होता है, माल्टोज शक्करा, याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। लिपिड की पैदावार की हाइड्रोलिसिस, बोला है हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड ईट, क्या ईट करती है, क्या पैदावार करती है, मतलब जब लिपिड आपकी टूटेगी, जब वसा आपकी टूटेगी तो क्या बनाएगी, याद रखना वसीय अम्ल बनाएगी, जिसको फैटी एसिड बोलते हैं, वसीय अम्ल, सॉरी क्या होगा, वसीय अम्ल, साथ में फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल भी बनता है, क्या बनता है, ग्लिसरॉल भी बनता है, आंसर कौन सा ठीक होगा भाई, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज द राइट आंसर, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज द राइट आंसर, और वसीय अम्ल भी इसको बोलते हैं, और ग्लिसरॉल भी आप बोल सकते हैं, ग्लिसरॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाए, क्वेश्चन नंबर 23-24 आपको वन लाइनर दिया है, आपको आंसर बताना है, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, आपका जो रेटिना होता है, रेटिना कहाँ पर होता है ये आपको पता होना चाहिए, पहले तो आंख में होता है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, दृष्टि पटल भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, दृष्टि पटल भी इसको बोला जाता है, यहाँ पर क्या आपका दृष्टि पटल इसे बोलते हैं, जिसको रेटिना भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रेटिना, यहाँ पर आपकी लेंस होती है, यहाँ पर मान लीजिए कोई बंदा खड़ा है, इस बंदे की लाइट जो भी है इसमें भाई सब इसके ऊपर गई, तो आपकी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, आपके रेटिना के ऊपर बनती है, किसके ऊपर बनती है, दृष्टि पटल के ऊपर इमेज बनता है, चित्र बनता है उस व्यक्ति का, वो चित्र कैसा बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, ये आपसे पूछा है, तो आंसर क्या होगा बेटा, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर दे दीजिए, उल्टा बनता है, इनवर्टेड बनता है, कैसा बनता है, इनवर्टेड और उल्टा बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृक्ष को सबसे ज्यादा हानि कब पहुंचती है, कोई वृक्ष को सबसे ज्यादा हानि कब पहुंचती है, इसका आंसर दीजिए, जब उसकी छाल को काट दिया जाता है, आपका ये वृक्ष है, अगर मैं इसकी छाल को कट कर दूं, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है छाल, जो बार्क होती है, जिसको बार्क बोलते हैं, ठीक है, जब मैं इसकी बार्क को हटा दूं, तो इसको सबसे ज्यादा हानि पहुंचेगी, क्यों, क्योंकि जब इसकी बार्क को, इसकी छाल को हटा दिया जाता है, तो इसकी छाल में फ्लोएम होता है, कौन सा उत्तक होता है, फ्लोएम, फ्लोएम का क्या काम होता है, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट और खाने का परिवहन करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, कौन, आपका फ्लोएम, तो जब फ्लोएम को हटा दोगे, छाल को हटाया मतलब फ्लोएम को हटाया, जब फ्लोएम को हटा दिया तो आपके पौधे में खाना कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, तो ऐसे ही वृक्ष आपका क्या होगा, मर जाएगा, तो सबसे ज्यादा हानि तब पहुंचती है जब हम छाल को हटा देते हैं, किसको, छाल को हटा देते हैं, किसको हटा देते हैं, छाल को हटा देते हैं, इस बात को ध्यान रखना, और बार्क ऑफ ट्री को रिमूव कर देते हैं, मतलब बार्क और छाल को हटा देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये वन लाइनर क्वेश्चन है आपके लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, आप सभी को आंसर करना है मुझे कमेंट में, म्यूकोरिमाइकोसिस, बोला है म्यूकोरिमाइकोसिस किसका रोग है, Whose disease is mucormycosis? Mucormycosis किसका disease है? एक जीवाणु का रोग है या मोल्ड के द्वारा ये रोग होता है, या जीवाणु के द्वारा, या परजीवी के द्वारा, या विषाणु के द्वारा, ये न्यूज में अभी बहुत है, ये न्यूज में अभी बहुत आपको सुनने को मिल रहा है, म्यूकरमाइकोसिस की, जो कोविड के पेशेंट है और जिनको डायबिटीज है, जिनको मधुमेह रोग या कोई भी ऐसी जिनकी मेडिसिन चल रही है, जिनकी स्टीरॉयड जिनको दिया जा रहा है, क्योंकि स्टीरॉयड क्या होती है, स्टीरॉयड आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं, स्टीरॉयड का काम होता है आपकी प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देना, तो बोला जा रहा है ये जो रोग है म्यूकरमाइकोसिस, ये कोविड पेशेंट को ज्यादा हो रहा है, जिनको डायबिटीज है, जिनको मेडिसिन चल रहे हैं स्टीरॉयड वगैरह, तो किसके द्वारा ये रोग है, आप सभी को कमेंट करके मुझे बताना है। इसी के साथ मैं अपनी क्लास का अंत कर रही हूँ, इसी के साथ मैं क्लास का अंत कर रही हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जुड़ने के लिए, कल भी शाम 8 बजे हमारी क्लास होगी, इसी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन और कंटेंट के साथ, ठीक है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जुड़ने के लिए, तो इसी के साथ मैं क्लास का अंत कर रही हूँ, आप सभी को जय हिंद जय भारत।